करना अंदर आगे खत्म जो काउंटिंग में कम जो समझ में उसमें डाल देने का, क्योंकि वो नारियल के साथ काउंटिंग में है ना दूसरे नीम वाले को। ताबीजा निकालो उसके गले में के पंखे की स्पीड कम करो। खाना 3 बजे उठ कर खाते, 2 बजे उठ के कृष्णा देवी ऐसा मेरा नाम है बोल रहा हूँ। इतनी परेशान हूँ बच्चे 6 महीने से मुतासिर, 6-7 महीने से। कहाँ से आए तुम? कहाँ? हैदराबाद से आए। तो गाने कौन गा रहा था बाहर? दूसरा नहीं, दूसरे ये लगाओ नाक में, लगाओ पीठ पे, लगाओ खांदे पे, लगाओ। उंगली से लगा के पट पट लगाने का खांदे पे। ये खांदे वजन दिखते होते बाहर से, खाली उंगली से बाहर से खाली लगा। चल रहा कौन है? जल्दी अदब अदब के दायरे में आ। नाला बाप का तेरा चल रहा है कमीने, बुलाओ जंजीरा वालों को और बन के डालो उसको तेज से। चला जल्दी एक सेकंड के अंदर। चल रहे आ, चलो पकड़ो इसको बन के डालो, बुलाओ संजीरा वालों को। क्या बोला मैं? पेशेंट को बात नहीं करना अंदर आए तो दिमाग खराब होगा तुम्हारा। चलो जकड़ो उसको और तेज से। जकड़ लो उसको अंदर से और बंधा लो उसको तेज से, बंधो जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो। बिस्मिल्लाह। जलाओ उसके अंदर से आग, लगाओ सब जकड़ के जलाओ सबको।
जकड़ो उसको, चलो जकड़ के लाओ उसको। चल रहे आप, बहुत कर रहा था बड़े बड़े हरकत, चला। कृष्णा देवी तू हाँ शादी वाली तेरी, बच्चे पीछे देखो नहीं है। कृष्णा देवी, कृष्णा देवी चला जीरो जल्दी, चला जकड़ लो कृष्णा देवी, जकड़ो उसको और तेज से। और वो कृष्णा देवी के हाथा भी जकड़ लो, जकड़ लो उसके हाथा भी, काट के फेंक देंगे उसे, जकड़ लो उसके हाथों को। चल बोल क्या दुश्मन थी तेरी बच्ची की वो, हाँ क्या पूछा मैं जवाब। किसको भी भागने मत दो, सबको पकड़ो, सबको बन के डाल दो। हड्डी होना किसकी हड्डी होना, तुम कमर की कब मारने आते बच्ची को, कृष्णा देवी कब मार रही थी उसको, हाँ कमी नहीं तेरे बाप का राज चल रहा, जकड़ लो उसको कृष्णा देवी को, जकड़ लो जंजीरा वालों को, बंधा लो कृष्णा देवी को, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको, तो कृष्णा देवी को बंधा लो, उसके बच्चों को बंधा लो, उसके मरद को भी जो जो होंगे उन सबको बंधा लो, तेजी से बंधो कस के। जकड़ो उसको और तेज जकड़ो, आग लगाओ उसके अंदर से, भागने नहीं देते देखो, बाप का राज नहीं चल रहा तेरे, सोच रही हूँ तो छल करके भागी नहीं यहाँ से, एक बार भी जान देते, और इस बात मत करो उसको, उठा के एक मिनट बाहर भेज दूंगा, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो, इतर लगाते रहो उसके नाक में, पानी दम करके पिलाओ उसको, सर बदन हो जाता बोलते, सर बदन ला और मीठा दो मेरे को, मीठा किधर से भी लाओ मेरे को मीठा दो, और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चॉकलेट्स आ रहे होते घर में, के कारण चॉकलेट्स आ रहे हैं, पूरा पिलाओ, पूरा पिलाओ इसके दो, पूरा पिलाओ, पूरा पिलाओ उसको, बात ही मत करो, गट करके निकलाना पड़ता पानी, पूरा पिलाओ, पूरा पिलाओ, बस
चल आगे आओ इधर जल दे बाप का राज चल रहा तेरे लोगों को परेशान करने हाँ कितने रहे तुम चार है पांच है कितने की टीम है हाँ कितने बुरे जकड़ लो उन सबको जकड़ो उनको और तेज जकड़ो और जंजीर वालों को बुलाओ जितने भी उन सबको पकड़ लो अच्छा भैया रुपये बंदालो सारे शैतानों को बंदालो तेज जकड़ के बंदो और उनको जला दो जला के राख करने की तैयारी करो बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये बंद के डाल दो सब नाला है भाई क्या नाम है मरियम है मरियम क्या हुआ देखो इधर ऊपर देखो आंखों में देखो मेरे अंदर देखो मेरे और देखो और आंखें हमें आंखों में देखो क्या हुआ भाई मरियो कौन सा माफी मांगने वाला अम्मा थी कृष्णा मुझे दे दिया कृष्णा देवी फिर कौन थी अम्मा वो आती थी बाप ने माफी मांगे भाग गई ये जो है तो ये कोई हाँ क्या हुआ माफ कर दो जाने दो अच्छा बोल के भागी हाँ और उसके साथ में कौन थे और कोई मैंने तो रिश्ते का अच्छा और ये कृष्णा देवी कौन है माँ देख के बोल रहे हैं और कोई लोग आ दिखते थे क्या और ज्यादा कोई कोई बुला रहे कोई केक दे रहे मीठा दे रहे मीठा खाने के लिए वो केक मीठा कौन देता था अम्मा वो हमारे घर में थी कहाँ से आती थी उन्हें टॉयलेट में रहती थी उसकी ओल्डी कहाँ गई उसकी ओल्डी उड़ा उसने क्या देती थी अम्मा ला के खाने को केला खा लो अम्मा नहीं खाते थे और कहा रहती थी अम्मा कहा रहती बोली उन्होंने हमारे घर में रहती थी अच्छा कब से तबीयत खराब थी इसकी 6-7 महीने से तबीयत खराब है लोगों से जाना ये पैरा कोई खींचना अजा बिल्कुल नहीं सुनना नमाज नहीं पढ़ना और मक्का बोल तो पक्का बोलना ये मरियम खाने का पकड़ देखो
बिगड़ा बजा ये देखते कि ऐसे चीजों को देखते ही गुस्सा आना बंद कर दो बोली ना बंद कर दो कृष्णा मूर्ति कृष्णा देवी में कृष्णा देवी को तो भी उसे किसी ने जी हां ए कृष्णा देवी बोलो आवाज दो कृष्णा देवी कृष्णा देवी सारा मरिया आपको नमाज देखो मेरे आंखों में देखो हाँ बोलो क्या होता था बोलो क्या होता था आपको कृष्णा देवी बोल तो बच्ची बेहोश हो जाती थी अंदर अभी लेके आए थे तुम बोलो तो बेहोश हो गई थी जब दो बार कुरान देखे कुरान मरियम कुरान देखे तो कुछ और चक्कर आ रही आपको कौन देखते बड़े कौन अभी यहाँ क्या होता था पहले देखते थे तुम एकदम प्लेन पेपर्स कुरान भेज दिन किताब में ये नजर आ रहे सब अल्फाज देखो अंदर कैमरा ए पुतले के जैसा मत बट सही तरीके से मार सब नजर आ रहा पहले क्या होता था सब ब्लैंक दिखता था उसको सब नजर आ रहे क्या नाम है मरियम कौन करा क्या करा इससे पहले कभी नाम निकला खुलासा हुआ जी हाँ कौन करा क्या निकला था नाम खलेरे भाई क्या दुश्मनी थी पता नहीं तो बैठे लोटे बजाना अभी तो ये टाइम पे भाग गई उन्हें माँ फिर मंग के भागी अगर उन्हें क्या बोलते तो फिर रहेंगी पलट के हाँ। तो पूरा जला के राख करेंगे जलाने की कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो एक शैतान नहीं है बहुत सारी दास्तान है और बहुत सारी बातें मेरे मुंह से तो नहीं बोलता मैं आगे जरूरत पड़ी तो सबको पकड़ के पूछा दूंगा जला के पसंद तुम्हारे घर में क्या क्या परेशान करते थे बच्ची को उधर देख के बोलो कैमरे की तरफ दुनिया देखी वहाँ पर घर में क्या बोलते केक ला के देना और टॉयलेट में टेम्पल दिखना डेली टेम्पल का खाब आना उसको और बच्ची और सांपा पूरे सांपा से लपटना बड़ी लिजर्ड आना उसको मारना लिजर्ड ही आना और स्नेक आना नागिन की टाइप में आना आके जगड़ना हड्डियाँ दिखना यही है ना मरियम हड्डियाँ दिखना और टेम्पल डेली टेम्पल दिखना मैं मंदिर में हाँ ऐसा मंदिर में पूजा कर रही हूँ मैं टेम्पल में कोई हड्डियाँ चूसने क्या दिखता था हड्डियाँ कोई मेरे चूसे टेम्पल में हड्डियाँ कोई चूसा टेम्पल में बुलाते हैं हाँ और उम्र कितनी है इसकी 10 years है 10 years 10 साल के हम कितने साल के तुम बोलो 10 कब की पैदाइश 2010 के है 2010 की क्या नाम है मरियम स्कूल जाते नहीं स्कूल सब बंद है परेशानियों से नहीं जा रहे कलम नहीं पकड़ सक रहे हो ना जो कोई पकड़ने ना दे रहे करंट मारा हो रहे बुक्स पढ़े तो फिर असर वजन दिख रहा कुछ भी नहीं पढ़ सकती हो रहा नमाज कुरान पढ़ा रही कुछ भी नहीं अब तो कुछ है ही नहीं कुरान पढ़े तो क्या होता कुरान पढ़े तो कभी पेपर से ब्लैंक पुरानी कुरान शरीफ नहीं दिखते होते क्या होता तुम्हारा कुरान कोई लोरी हाँ लोरी दे रहे नमाज पढ़ते ना कोई लोरी दे रहे सो जाओ और खींचते अपना जो है हम लोग जो है ना पूरा हैदराबाद के लिए हम लोग पैसे अच्छा कर रहे हैं ये तो हम कहां है YouTube पे देख के चैनल आता है तो उसको वापस आने के चांसेस भी है वैसा नहीं वो जो है तो ये जो है ये कोई का लगे वाला शैतान नहीं है ये भी तौबा करके भागी उन्हें माफी मांग के तो फिर आती वो रिटर्न क्यों आती इसके पेट में दवा अटके लिए दवा उसको रिटर्न बुला के लेती तो ऐसा तरीका वो वैसा रहता लगे वाला शैतान रहता था फिर वो चलेगा तो कभी नहीं आता तुमने इससे पहले दरगाहों को भी लग गए होंगे मौलानाओं के पास भी लग गए होंगे कहाँ कहाँ गए थे हिंदुओं के पास गए नहीं नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ी शरीफ गए ऐसे पास कुछ दरगाहों पे लग गए तो क्या होता था उसको इलाजों के पास में लिख जाते थे इलाज वाले पास वहाँ क्या होता था यही थी ये कैफियत थी सेम क्या होता क्या था कृष्णा देवी बोलो अभी जोर से कृष्णा देवी कृष्णा देवी
और क्या वो नमाज पढ़ रहे तो बेहोश हो जोर से कृष्णा देवी आप क्यों नहीं हो बेहोश अभी माफ ही बोल रहा पहले तो तुम अंदर आते दो बार आवाज दो बार गिर गई थी वही बोल रही मैं माफी मांग रही वीडियो में रिकॉर्डिंग में भी है ना जी बेहोश था आवाज लेते थे बेहोश ये कुछ कराया से बोल रहा हां ये खिलाड़ी जादू कौन कराया वाला है मेरे मुंह से तो बोलता नहीं मैं कौन करा क्या करा वो आगे उसके मुंह से पकड़ के पूछेंगे कृष्णा देवी को उन्हें भाग भाग के कहां तक भागेंगे उसको जंजीरा डाल के वापस लाते हैं वापस पूछ के सब जिधर उधर बदरा पर दफा करा देता मतलब दूसरे तीसरे राउंड में पूरा फाइनल करा दिए भागते हैं भागते हैं कोई वॉशरूम से स्नेक आ रहा बोलता बोली या कहार पढ़ो मरिया बोलते नहीं फिर आ रहा मैं वो पढ़ते तुम पढ़ते बोल के खंजर लेके आगे मारने आ रहा मुझे बोलता हूँ कुरान पढ़ते वो अल्लाह का नाम पढ़ते खंजर लेके आ रहा और ऐसा पूरा जाल डाल के बैठी हुई देखो मंत्रा पढ़ी क्यों भी कभी ऐसे करते टेम्पल्स कुछ देखते ना रास्ते में स्टार्ट हो जाते ऐसा करना मुझे नहीं वो कोई पूजा करा रहे बोलते ना मुझे मंदिर में कोई पूजा करा रहे ऐसा जाते रहते घर में छिड़छिड़ापन लड़ाई झगड़ा करना मेरी बात सुनना कहाँ टेम्पल में अच्छा मंदिर में जाना मालूम था पूजा कर रही हूँ मंदिर में बोलते ना टॉयलेट में वो और क्या परेशानी होती और क्या बोलते थे कोई मान के और में दिखते बोल रहे रास्ते में भी टेंपल दिखा दो ना वहीं देखते रहते हो स्टार्ट हुआ करना मरिया मैं करना मरियम खोलो खुल वल्लाह हुआ हाथ खुल वल्लाह हुआ सब करती हूँ तो फिर हाजिरिया दी छोड़ बोली ना बोलते और रात में 3 बजे 4 बजे डेली टाइमिंग क्या है लोगों की 4 बजे तक अजा होती रहती नहीं नींद नहीं आ रही हमारे कोई जैसा हम लोग ट्रेन में बैठे ना तो मेरी मौत यहाँ पर लिखी भी है मेरी मौत यहाँ पर इतना मत जाओ मत जाओ बोलते हैं तंग करते हैं अरबनी को आ रहे थे तो अरबनी को जी रात में ही बोलूँगा छिड़छिड़ापन किसी की बात नहीं सुनना है बहुत अच्छी बच्ची है ये इतनी फरमाबरदार बच्ची है हर बात कहना मेरी मम्मी मम्मी के अल्फाज को कभी रद्द नहीं करते हैं मम्मी बोलती है ना ये काम करना था ये करना मगर अब वो कैफियत है ही नहीं हमको वीडियो भी है बताओ कैमरा मारो लोग के पढ़ना खोलो हां वापस जाना क्या मैं क्या गैलरी में जो का वीडियो आते टाइम पे का नहीं नहीं मम्मी आज हाजिरी है बहुत परेशान है मम्मा तो इधर मारो कैमरा आवाज बढ़ाओ उसका कतर नहीं आ रहा तो कई तादाद में ही बोल रहे हैं जो है तो उस जमाने सबके पकड़ के कुछ समय में और पलित थे कभी हम लोग जलाते थे कोई दिए तो ना और सिपाह कितने जलाते और सिपाह बहुत अम्मा बना के देते जा रही थे लोगों की जान लेके जाएंगे वो इसलिए हां जो भी भागी यहां से बुड्ढी तो वो हां वही रीड की हड्डी होना है रीड की हड्डी होना बोलते रीड की हड्डी होना तो चलो बच्ची की रीड की हड्डी होना उसकी क्या करती करते हड्डी लेके रेडी की जो कराया जादू ना वो ये देखती है रीड की हड्डी नहीं है वो होना मत है उसको साफ बोल दे उसको देने वाले हम चलने नहीं आता बाप का राज चल रहा है सारो तुम्हारे इसकी भी जलाना बोली ना देख छोड़ दे देख नको जला जादू की रेंद लगाए अच्छा तो स्कूल में कौन जला था
उसमें कैसा आए तुम्हें टाइम इसको दिए थे खाने को क्या दिए थे हम लाके पहले बोलो आपने क्या दिए खाने एक चॉकलेट का डब्बा दी थी बस लंच खा लो खत्म कर लो बोल के इनकी दवा कैसा निकली और मम्मी भूल गया कि था भूल गया थोड़ा क्या भूल गए थे कुछ याद नहीं हो रहा आप ठीक है चलो कोई टेंशन का नहीं अल्लाह करम जिस तरीके से उस तरीकों को संभाला करो सब राइट करा देते इनके भाई रही बात वो लगे वाला शैतान नहीं है वो लगाए वाला शैतान आए वो लगाए वाले शैतानों को जला के सबको भस्म कर देना पड़ता है मल के तरीकों से वो बच्ची के कुछ उतारे का सामान लिख के देंगे वो तुमने दुकान से लाना मैं पढ़ के दूंगा फिर वो तुमने पूरा घर को लेके चले जाना तुम्हारा सामान फिर घर पे जाके अमल करना जैसे तरीके उस तरीकों से क्यों जब अमल के दौरान में ऑटोमेटिक उसको उल्टे होंगे और ऑटोमेटिक उसको मोशन लगेंगे वो दवा निकलना चालू जाएंगे दवा के दो पार्ट रहते एक उल्टियों के जरिए निकलता और दूसरा मोशन के और दूसरी बात फिर वो बलाएं तुम आपको ये सब बोलेंगे भी आके घर पे कि मत करो ये उतारे तुम ये सब कर रहे तो इससे हम सब शैताना जादू टोने की चीज़ें सब कमजोर हो जा रहे और कमजोर हो के हम सब जलना चालू हो गए कि रोक दो हम चले जाते तो एक बार भी नहीं रोकना जैसा तरीका उस तरीके से पूरा अमल करना ये तुम्हारे को उनको 90 दिन तक तो कंटिन्यू उनके उतारे करना पड़ेगा हाँ 90 दिन तक उतारे रहेंगे और उस दौरान कुछ पीने के तावीज़ जलाने के तो वो भी देंगे उस तरीकों से अमल करो अल्लाह करम से पूरा राइट हो जाता और ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं बाकी तो दुआ पानी देना मेरे हाथ में पता चलता दिया बाकी तुम जो भी सामान देंगे दुकान से तुमने खुद जाके लेके आना और पढ़ा के पूरा अपना अपना सामान पूरा घर को लेके चल जाना जैसा कि वैसा अरे कितना दिन करेंगे आप जो देंगे सामान कितने दिन करेंगे वो तुम्हारे को 90 दिन तक तो तुम कंटिन्यू करने लेके जा सकते लेके जाएंगे तो पूरा खराब हो 30-30 दिन डिवाइडेशन करके ले जाना 3 टाइम तो महीने में एक बार तो आना है हाँ महीने में एक बार तो फटाफट स्पीड में राइड करा देंगे सब बाद में आखिरी टाइम पे जब मैं खुलासा करूँगा तो वो खुलासे में ओरिजिनल नाम लेना पड़ेगा उसको जिसने भेजा चाहे वो पहले बोले आला रंदो या और कौन सा भी रंदो जो भी रहेगा वो यहाँ उनको सही बोलना पड़ता सब क्योंकि यहाँ देखे नहीं कसा भागी उन्हें छुटकी एक मिनट में अब बोला ना तुमको कृष्णम्मा क्यों नहीं मेरी बेहोश पहले वो बच्ची को कृष्णम्मा बोले कि बेहोश हो जा रही थी क्या है कृष्णा देवी अंदर लेके आए उसको कृष्णा देवी बोली कि बेहोश हो गई थी फिर वो उनके आंग पे लड़ रही थी अंदर आते चिंट्री मारते कल खुला अंदर आंग पे आ गया था कैसा उन्होंने बोलते बेहोश हो गई थी उनके हाथ में फिर यहाँ दो बार मैं बोला तो दो बार बेहोश हुई थी भाग की छोट के मार क्या दिखा क्या छोड़ते तो नहीं बोलना देखो हम जलाते पूरी कार्रवाई करा के भस्म करा देते सब चीज़ों को बोलना बाप का राज चल रहा होगा किसी बच्चों को परेशान करने को छोटे छोटे बोलना कब मारने आई थी करते उन्हें बच्ची को ये कब मारने आई थी बोली उन्होंने कुछ 28 तारीख बोली हमेशा ये कुन्ना मामा से शुरू रहता इनके पीछे एक लाख तो करना ऐसा भाजी एक दो लाख तो अब इनके वाली साहब तो नहीं है मैं इनका मामू हूँ मेरी बहन है वाली साहब कहाँ गए उनके वाली साहब उधर भी क्या दो मूर्तियां रखने में इन लोगों बोले पूछे आप जो बोले ना सेम इसी से दो मूर्तियां हैं टेंपल में है बोलते ना उल्टे लटके हुए बोलते ना टेंपल में है जब अमला ये सब चालू हो जाते पढ़ाया उस दौरान में वो ऑटोमेटिक जलना चालू हो जाते और वो जल जल के पूरे जब भस्म हो जाते कि इधर से ये निकल के दवा निकलना चालू हो जाती है उल्टियां होके दवा का एक पार्ट यहाँ अटका वाला रहता दूसरा पार्ट वहाँ गाड़े वाला रहता अच्छा वो पार्ट गाड़ने जाते इसका कपड़ा बाल वाल सब चप्पल की मट्टिया कुछ तो भी चीज लगती तो वो लेके जाके वो उधर से अमल करके गाड़ देना पड़ता फिर वो दवा ला के खिला दिया जी तो वो दास्तान से वो होता अब वो मेरे मुंह से तो कुछ नहीं बोलूंगा जो भी है तुम्हारा देखना है वो दूसरे तीसरे चक्कर में सब पूछा दूंगा पकड़ के खाली मैं तुमको एक थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसा चलता वो अमल कैसे रहता एक भाई बहन है जब एक साथ बिठाना था दोनों को इतना क्यों लेट करे तुमने तुम बैठो बोले थे तुमको एक एक दो दो बेटा बोला मैं तुमको दो टो की तीन दिनों तुम बताने वाले डर रहे हो एक दूसरे को लेके सरसों का है नीम का तब भी तो भागी हुआ अम्मा निकल यहाँ से क्या फील हुआ मम्मी से मारा
वो उसका फिर हो जाते थोड़ी हो जाते उड़िया वहाँ चल जाते हो जाकर बंद फिर निकल जाते फिर बहुत अलग तरीके से थी यहाँ इनका पेट इतने हेल्थी नहीं था ना उतना वेट नहीं था तो स्लिम थे ऑटोमेटिकली इनके बहन का बच्चा हमारा अम्मी का।